obviously बहुत खुशी की बात है कि मैं सेलेक्ट हुआ 2019 वर्ल्ड कप में. हमेशा से बचपन से जब भी क्रिकेट खेला तो कभी इतना नहीं सोचता कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, फिर इंडिया के लिए खेलना है. जब अपॉर्चुनिटी मिली परफॉर्मेंस करने के लिए, परफॉर्मेंस हुई, उसके तहत सिलेक्शन हुआ, तो बहुत एक्साइटमेंट है. और भारत के लिए, ऑब्वियसली कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस चीज़ की. बहुत कॉन्शियस होकर खेलना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप है ये, प्लस एक्साइटमेंट हमेशा रहेगी क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है ये, ICC का बड़ा इवेंट है, और कंट्री के लिए खेलना इस बड़े इवेंट पे, तो हमेशा से एक्साइटमेंट रहेगी रहेगी. बस एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी रहेगा क्योंकि बाकी टीमें भी अच्छी हैं. छोटा था तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ था अंडर 15 में, तो तब मुझे दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए इस गेम में के लिए. जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा और पुश करूँगा और मेहनत करूँगा तो शायद मुझे मेरा सिलेक्शन होगा. तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा ये प्रोफेशन है, इसमें मुझे आगे जाना चाहिए. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्रिकेट में इतना कोई शौक नहीं था. मेरे डैड को हमेशा से था कि ये क्रिकेट खेले, उनकी वजह से मैं खेला क्रिकेट. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक नॉर्मल टाइम पास के लिए क्रिकेट खेल रहा था, ग्राउंड पे जाता था टाइम निकालने के लिए, थोड़ा फिट रहूँगा. तो पर डैड को था कि नहीं, इसको क्रिकेट खिलाना है, उसको सपोर्ट करना है. फैमिली से काफ़ी अच्छा सपोर्ट था. माँ का पहले इतना सपोर्ट नहीं था, वो पढ़ने के लिए हमेशा बोलती थी, पर जो कि नॉर्मल चीज़ है. फिर जैसे जैसे मैं खेलने लगा तो उनका सपोर्ट पूरा रहा. मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो जब मैं छोटा था तो आई रियली वांटेड टू बिकम अ पायलट. जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं फास्ट बॉलिंग करता था, तो वसीम सर को मैं देखता था बॉलिंग करते हुए, उनको सीख के मैंने बॉलिंग की. जब मैं ग्राउंड आया तो सचिन सर हमेशा से रहे जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया टीवी पे. जब मैं स्पिन डालने लगा तब मुझे शेन वॉन मुझे बहुत पसंद आने लगे, उनकी तरह मैं बॉलिंग करना चाहता था. तो फाइनली मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ. मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ है उनका. मैंने डेविड वॉर्नर को आउट किया था. मेरी लाइफ में जितने भी मेरे फर्स्ट विकेट रहे सब बड़े रहे, चाहे मैं डोमेस्टिक में मैंने फर्स्ट विकेट मैंने यूवी पाजी को आउट किया था, जब मैं T20 खेला था तो मैंने क्रिस गेल को आउट किया था T20 में, जब मैं वनडे खेल रहा था तब भी मैंने इवेन लुइस को मैंने फर्स्ट विकेट आउट किया. तो मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयरों को मैंने आउट किया है. एक हैट्रिक है मेरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब मैं टेस्ट मैच खेला था, फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया धर्मशाला में, जब मुझे पहली विकेट मिली थी, मेरी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट था वो. क्योंकि हमेशा से मैं चाहता था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ. मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं डेविड वॉर्नर को आउट करूँ, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो गेम चेंज करते हैं. अगर मैं उनको जल्दी आउट करता हूँ तो हमेशा चांसेस रहते हैं जल्दी जीतने के, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है, अगर वो 25-30 ओवर खड़े होते हैं तो गेम चेंज हो जाता है. जितने भी यंगस्टर हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है जब आप छोटे होते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही जा रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कैसे सोच रहे हो. तो मुझे बस एक ही मैसेज देना है कि आपकी एज में मैं भी था, तो मैं भी यही सोचता था. पर मेहनत आप डबल करो, मेहनत से आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं आपको कि, बहुत से लोग आपके लाइफ में आएंगे बोलेंगे कि फालतू में मेहनत कर रहा है ये, उन सबको छोड़ो. क्योंकि अपने पे ज़्यादा जितना बिलीव रखोगे उतना ही आप सक्सेस हो सकते हो. बहुत बड़ा इवेंट है ये वर्ल्ड कप, हम चाहते हैं कि आप पूरा सपोर्ट करो हमारी टीम को, पूरा बैक करो अच्छी तरह से, क्योंकि ये इवेंट पूरा जो भी है ये पर कंट्री का इवेंट है. तो हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से सपोर्ट करो, काफ़ी दुआएं करो ताकि हम ये वर्ल्ड कप में अच्छा करें.